तो भाई लोग फाइनली वो घड़ी आ गई कि पठान की एडवांस बुकिंग अब जारी हो चुकी है। हर शहर में, हर गली में, हर थिएटर में अब इस मूवी का डंका बजने वाला है, क्योंकि एडवांस बुकिंग जिस तरीके की चुटकियों में खत्म होने वाली है, ये बात आप लोग मान लो कि 100% अब तय हो चुका है कि ये मूवी भैया 40 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। क्योंकि आप लोग को पता है कुछ टाइम पहले थोड़े शहरों में इस मूवी की एडवांस बुकिंग चालू हुई थी और 5 मिनटों में अगर मैं कहूं तो चुटकियों में लाखों की टिकट बिक गए थे, ऐसे जैसे पानी की तरह। और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस मूवी की जिस तरीके से हाइप बनी हुई है, जिस तरीके से इस मूवी का ट्रेलर का रिस्पांस मिला, जिस तरीके से मेकर्स भैया प्रमोशन कर रहे दिन ब दिन, बुर्ज खलीफा पर जाना हो, थोड़े आप लोग इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं, वो एक मैं अगर कहूँ तो एक बढ़िया पैकेज हो रहा है। और हर एक बंदा ग्राउंड लेवल पर इस मूवी की प्रमोशन कर रहा है, जो हर कोई इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा जो इस मूवी की हाइप पैदा होने का कारण ये है कि भैया फैंस जो है दिल से इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। फैंस जो है वो 4 सालों की बड़ास, 4 सालों की आग अपने मन में लगाए बैठे थे कि कब पठान मूवी आएगी और कब उस मूवी को हम सिनेमा घरों में 25 तारीख को देखेंगे। और फाइनली वो घड़ी आ गई कि भैया 20 तारीख को 100% अब ओपन हो चुकी है एडवांस बुकिंग। लेकिन यार इस मूवी का जिस तरीके से क्रेज मैं देख रहा हूं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लोग बोलते हैं कि भैया KGF Chapter 2 को लोग इतना वेट कर रहे थे, लोग कहते हैं कि बाहुबली एक बढ़िया मूवी थी, लोग कहते हैं कि RRR मूवी थी, लेकिन उन सब का बाप अगर मैं कहूं या उन सब की जो हाइप खत्म करने के लिए भैया पठान मूवी बनी है। और पठान मूवी ने जिस तरह के रिकॉर्ड किए हैं ओवरसीज में, जर्मन में हो या अगर मैं कहूं अदर कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में हो, ओवरऑल हर जगह पर पठान ही पठान बज रहा है और हर जगह पर इस मूवी की जिस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही है, तो 100% आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि भैया 40 करोड़ से ज्यादा ये मूवी भैया ओपनिंग लेने वाली है। नॉन हॉलीडे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करेगी इंडिया में, और दूसरे दिन पर तो आप लोग इसके सामने आओगे भी नहीं, क्योंकि दूसरे दिन पर तो ये मूवी बवंडर होगी, तूफान होगी, क्योंकि दूसरे दिन पर ये मूवी 50 करोड़ से ज्यादा कर लेगी आराम से। और अपने पहले वीकेंड में 5 दिनों में ये मूवी 100% 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लेगी, ये बात आप लोग मान लो। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स बताएं कि आप लोग ने अभी से टिकट बुक कर लिए, कब करोगे कब नहीं करोगे। अगर करने की सोच नहीं रहे हो तो प्लीज ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये मूवी को आप लोग फर्स्ट शो देखना है। और अगर आप लोग SRKN देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो को शेयर करो और ये बात मेरी मान लो, क्योंकि इस मूवी को 100% पहले दिन पर भैया 40 करोड़ से ज्यादा ही ओपनिंग लेनी है और हमको करवानी है, तभी ये मूवी लोगों के मुंह बंद कर पाएगी। क्योंकि फिर इस मूवी का कंटेंट बोलेगा, फिर इस मूवी की स्टोरी बोलेगी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्शन सब बोलेगा, और फिर इस मूवी को कोई नहीं रोक पाएगा, ये आप लोग बात मानते हो। तो SRK का पावर हर जगह पर तो चल ही चल रहा है, तो इस बार थिएटर में चलने वाला है। तो जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा कि आप लोग टिकट बुक करवाई नहीं कराए, जरूर कमेंट बॉक्स बताइए। मिलते हैं एक स्टूडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, इसी तरह की वीडियो आप लोग सबसे पहले मिलती रहेंगी। तब तक दीजिए भाई को इजाजत।